बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एनएमडीकेट सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे और इसका ब्रेकडाउन और डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। सो चलते हैं टूवर्ड्स द सिलेबस। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल एंड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2021 जो अपकमिंग टेस्ट है उसके सिलेबस और ब्रेकडाउन कुछ यूँ है। अच्छा, सो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ जो है एनएमडीकेट में होंगे 210 है, 210 एमसीक्यूज़ है जिसका दौरानिया है यानी 3.5 आवर्स में कंप्लीशन टाइम है, आपने 3.5 आवर्स में इनको कंप्लीट करना है। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये अपकमिंग जो टेस्ट आ रहा है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी पुराना जो पेपर वर्क था वो क्या है, ख़त्म है, अब कंप्यूटर में आपने देना होगा। अच्छा, इसकी मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 65% है, यानी 65% से अगर आपकी बिलो मार्क्स है तो ये फेल कंसिडर होगा, पास नहीं होगा। 65 जो है पास है एंड अबव 65 ये भी पास कंसिडर होती है। उसके दूसरा अहम बात जो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, तो अब इस एनएमडीकेट के में जो सब्जेक्ट इंक्लूड है, 5 सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी है नंबर फर्स्ट, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजिक्स, नंबर फोर्थ इंग्लिश एंड फिफ्थ जो नया सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है लॉजिकल रीजनिंग। तो मैं हूँ केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, तो मैं आपके केमिस्ट्री कोर्स और इसके साथ रिलेटेड जो सिलेबस है उसके ब्रेकडाउन और डिटेल के बारे में आपसे बातचीत करूँगा। सो याद रखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है इसका परसेंटेज वाइज अगर देखें तो ये 26.5% है और बाय नंबर जो है इसके 210 एमसीक्यूज़ में 56 एमसीक्यूज़ जो है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। याद रखो आउट ऑफ 56 एमसीक्यूज़ जो है ये 30 जो है ये फर्स्ट ईयर से लिए गई हैं। मैं आपको फर्स्ट ईयर के बैकग्राउंड फर्स्ट ईयर का जो है बताऊंगा। जो रिस्ट है 26 ये कहाँ से है, ये सेकंड ईयर से है। अच्छा, तो आगे जितने चैप्टर्स इंक्लूड है उस चैप्टर्स के बारे में हम भी बात करते हैं। आप देखें लेवल ऑफ एमसीक्यूज़ की डिफ़िकल्टी लेवल, यानी एमसीक्यूज़ जो है मुश्किल कितना होगा, आसान कितना होगा, मॉडरेट कितना होगा। तो लेवल नंबर फर्स्ट देखें, इजी जो है नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ या परसेंटेज देखें, परसेंटेज 20% एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो बहुत ही आसान होंगे, यानी आप उसमें उसको देख के स्टेटमेंट को पढ़ के आप जो है उसको ठिक कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। दूसरा मॉडरेट है, मॉडरेट 60% है। मॉडरेट का मतलब ये होगा कि अगर आपने पढ़ा हो, कंसेप्चुअली पढ़ा हो और टू द पॉइंट और सही पढ़ा हो तो आप इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। हार्ड जो है 20% जो है ये हार्ड होगा आपका लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल। हार्ड का मतलब ये है कि आप जो है सही जब एनालिसिस करेंगे, फैक्ट्स फिगर यानी अपना टेक्स्ट पढ़ेंगे, साथ में आप जो है एमसीक्यूज़ पर प्रैक्टिस करेंगे और अपना कंसेप्ट बिल्ड करेंगे तो तब ही। और मेरा ख्याल है कि ये हार्ड पोर्शन जो है ये डिफरेंशिएशन है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है आके मार्क खाते हैं और ये यहाँ से स्टूडेंट्स जो है इनकी यानी आप यूँ समझे कि इसकी पासिंग और यानी इसका एडमिशन जो दाखिला है उसकी इम्कान जो है इसी 20% में से आते हैं। जो लोग अच्छा स्कोर 20 में करते हैं, हार्ड में करते हैं, वो कामयाब होते हैं। अच्छा, तो ये था डिफ़िकल्टी लेवल्स ऑफ एमसीक्यूज। नेक्स्ट जो है ये है हमारा जो केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड जो सिलेबस है। नंबर फर्स्ट ये टोटल चैप्टर्स जो है, नंबर फर्स्ट चैप्टर देखें, चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला चैप्टर है, ये भी बड़ा अहम चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो है इससे 4 एमसीक्यूज आते हैं। तीसरा चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर 1 है विच इज़ गैसेस है, गैसेस के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। फोर्थ चैप्टर है लिक्विड्स है, फिर फिफ्थ वन जो है सॉलिड्स है एंड सिक्स्थ वन केमिकल इक्विलिब्रियम, सेवन्थ है रिएक्शन काइनेटिक्स और इसी तरह थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और बाद में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर 10वां नंबर है केमिकल बॉन्डिंग है, 11वां है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी इसके बाद जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। ये यहाँ तक जो है आपका पोर्शन जो है केमिकल बॉन्डिंग तक ये फर्स्ट ईयर है।
ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की किताब के चैप्टर्स हैं। ये बाकी जो चैप्टर्स हैं ये सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। तो इसमें पहला है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, फिर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, फिर है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैक्रोमालिक्यूल्स। मैक्रोमालिक्यूल्स में हम यानी बायोपॉलीमर्स भी पढ़ेंगे और सिंथेटिक पॉलीमर्स भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो आइए देखते हैं डिटेल स्टडी में हर चैप्टर से कितने टॉपिक्स इंक्लूड हैं और कौन कौन से टॉपिक से एमसीक्यूज आएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है ये है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें से टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं 3 एमसीक्यूज इसमें से आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। अच्छा, तो इसमें कंटेंट्स यानी टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो नंबर फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है या रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसके साथ रिलेटेड जो है दूसरे ये रिलेटेड एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसी एटॉमिक मास के साथ रिलेटेड है। साथ में हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हाउ विल यू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, फोर्थ जो मेजर टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोल है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। यानी पूरा चैप्टर जो है इसी मोल के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ये एक फंडामेंटल चीज़ है, यानी मोल जब आप सीख जाते हैं, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, आसानी के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ वन जो टॉपिक है आर्टिकल रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशोज एज कन्वर्जन फैक्टर इन स्टॉइकोमेट्री एंड योर कैलकुलेशंस। ये मोल का जो कॉन्सेप्ट्स है और मोलर रेशो का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसके मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं और आपसे पूछे जाते हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। बाज़ औक़ात पार्टिकल्स पूछते हैं, बाज़ औक़ात मास पूछा जाता है, बाज़ औक़ात नंबर ऑफ मोल्स पूछते हैं। तो ये जो है इसको हम इन अदर वर्ड स्टॉइकोमेट्री भी कह सकते हैं। तो ये एक मेजर पूल है ये इस चैप्टर का। फिर इसके बाद जो है एवोगैड्रो नंबर्स है, मोल और एवोगैड्रो नंबर जो है ये एक ही टॉपिक है, ये दूसरा इनका यह है सब टॉपिक ऑफ मोल है। इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ऑफ स्टॉइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, यानी हम स्टॉइकोमेट्री पढ़ेंगे और उसके एजम्पशंस पढ़ेंगे। यानी जब हम स्टॉइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास कुछ एजम्पशंस होती हैं, उसके बारे में पूछेंगे स्टडी करेंगे, इसी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और आगे है स्टॉइकोमेट्री है एंड लास्ट वन है लिमिटिंग रिएक्शन एंड परसेंटेज यील्ड। सो दिस वाज द चैप्टर नंबर फर्स्ट। याद रखो चैप्टर नंबर फर्स्ट से 3 MCQs आते हैं जो इन्हीं कंटेंट्स के साथ रिलेटेड होंगे। अच्छा, आगे देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर से। जो हम लर्न करेंगे यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम किस चीज़ों को लर्न करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्ट मोलर रेशियो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर यूज एज ए कन्वर्जन फैक्टर इन स्टॉइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के स्टॉइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम अप्रोच सीखेंगे और उस अप्रोच से हम स्टॉइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, दूसरा हम क्या सीखेंगे, दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि परफॉर्म स्टॉइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस यूजिंग मोलर मोल्स रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स मैसेज एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं। यानी हम मोलर रेशो यानी स्टॉइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है हम करेंगे विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैसेज और वॉल्यूम। तो ये स्टॉइकोमेट्रिक पोर्शन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग। अच्छा, थर्ड नंबर है एक्सप्लेन द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया होगा और उसी रिएक्शन से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस है। ये ऑब्जेक्टिव है इसी चैप्टर में से, आपने ये सीखना होगा। फोर्थ है कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड द अमाउंट ऑफ एनी अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट। ये भी इसी लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस का पार्ट है कि आपको रिएक्शन टास्क दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि फलाने रिएक्टेंट्स के कितने अमाउंट जो है रिएक्शन के बाद बच जाएंगे और कितने जो है यूटिलाइज होंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव है, आपने सीखना होगा, यानी इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, गिवन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच एनी ऑफ द टू फॉलोइंग मे बी डिटरमाइन कैलकुलेटेड द थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। हमें पता होना चाहिए कि हम परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड कैसे फाइंड करते हैं। कैलकुलेटेड द थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड विद गिवन द बैलेंस इक्वेशन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन एक्चुअल यील्ड। जब आपको
किस रिएक्शन के अंदर जो है आपको परसेंटेज यील्ड या एक्चुअल यील्ड दिया जाए, तो आप जो है थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करेंगे, या अगर आपको कोई प्रैक्टिकल यील्ड दिया जाए और थ्योरेटिकल यील्ड दिया जाए तो आप परसेंटेज यील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये भी लास्ट जो है मेजर ऑब्जेक्टिव था इस रिएक्शन इस चैप्टर का। अच्छा, आगे मूव करते हैं, दूसरा चैप्टर है, ये भी बड़ा मेजर चैप्टर है, विच इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, देयर अरेंजमेंट्स और उनकी एनर्जी, रेडियस, सारा कुछ हम इस चैप्टर्स में कवर करते हैं। याद रखो इस चैप्टर से 4 MCQs आते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है कवर करते हैं। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल का कंसेप्ट कैसे आया, ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो है बोहर के बाद आया है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंसिपल्स है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डी ब्रॉगले है, इसी तरह शुरू जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से होती हैं और हेजनबर्ग और डी ब्रॉगले, और लास्ट जो है एक मैथमेटिकल फिजिस्ट आता है, थ्योरेटिकल फिजिस्ट आता है, क्या नाम है, श्रोडिंगर। तो वो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल उसी पूरी नॉलेज से जो है एक वे फंक्शन आया है जो कि इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन का सही हमें उसका पोजीशन बताते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स पढ़ेंगे, होन्स रूल है, ऑफ बो प्रिंसिपल है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अच्छा, फिर फोर्थ वन है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जो है ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कुछ नंबर्स हैं जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के एड्रेस बताते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे और या इसी से रिलेटेड जो है सवाल आता आएंगे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का शेप किस तरह है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिटल्स हैं, एस है, पी है, डी है और इस तरह एफ है, पी और डी एफ सब जो है ये इनके अपनी ओरिएंटेशन है स्पेस में, तो वो भी उसी के साथ रिलेटेड जो है सवाल आ सकते हैं, यानी ये आपका मेजर कंटेंट्स है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव रेज, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हो गई, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा, डिफाइन फोटॉन एज अ यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, फोटॉन जो है ये एनर्जी का यूनिट है, इसी से रिलेटेड यानी ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, क्या फोटॉन को, फोटॉन का कंसेप्ट कैसे आया और ये एक यूनिट ऑफ रेडिएशन है, ये आप जो है आपको पता होना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। डिस्टिंग्विश अमंग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, एनर्जी सब लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जो है ऑर्बिटल्स और इसी तरह सब एनर्जी लेवल्स जो है ये भी क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, आगे मूव करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है, और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि डिस्क्राइब द जनरल शेप्स ऑफ इस पी एंड डी ऑर्बिटल्स है, आपने क्या करना है, आपने सीखना है कि इस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का शेप कैसा है, ठीक है। दूसरा, डिस्क्राइब द हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी या बोहर थ्योरी का जो है उसको यूज़ करके आप हाइड्रोजन एटम के जो है एक्सप्लेन करते हैं। आगे है, यूज द ऑफ बो प्रिंसिपल, द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होन्स रूल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, आपने एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप इतने रूल्स को जो है फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अच्छा, द लास्ट वन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्टन एटम्स, मुख्तलिफ एटम्स हैं उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। आगे मूव करते हैं, गैसेज है चैप्टर नंबर थर्ड है, स्टेट ऑफ मैटर वन है, उसे गैसेस कहते हैं। अच्छा, गैसेस में याद रखो इसमें से जो रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे तो 2 एमसीक्यूज आते हैं स्टेट ऑफ मैटर वन से, गैसेस से रिलेटेड। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, तो इसमें फर्स्ट लॉ है गैस लॉ, दूसरा है बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, जनरल गैस इक्वेशन है, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है, और आइडियल गैस इक्वेशन है, ये मेजर टॉपिक्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा, लिस्ट द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हेल्प से हम गैसेस की पार्टिकल्स का बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के थ्रू जो है आपने मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो है आपने सीखना है कि हाउ गैसेस के दरमियान जो है पार्टिकल मोशन करते हैं, उसकी बुनियाद क्या है, बैकग्राउंड क्या है। स्टेट द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू क्या है।
डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. हमने क्या करना है, आपने क्या करना है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, प्रेशर और वॉल्यूम का, गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, यानी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं वॉल्यूम का क्या असर होता है, वॉल्यूम छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कम या ज़्यादा होता है. डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. ये चार्ल्स लॉ है कि आपने ये लर्न करना होगा कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा कम होने से गैस के वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ता है. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो गिविंग इट्स वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. ये कन्वर्जन जो है ये भी हमें सीखना चाहिए कि टेम्परेचर जो है इनको हम मुख्तलिफ़ किस्म के कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं. इसमें से हैं डिग्री है, केल्विन है, ठीक है, फ़ारेनहाइट भी है. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे चैप्टर कोर्स में है वो है डिग्री एंड केल्विन, इनका आपस में रिलेशन. अच्छा, फिर चैप्टर नंबर फोर्थ है विच इज़ स्टेट ऑफ मैटर टू है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड्स. इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज टेस्ट में आएंगे वो टोटल नंबर दो है, दो एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड आएंगे. अच्छा, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स बड़े थोड़े से ही हैं. प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स हैं. अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड हम पढ़ेंगे. हाँ, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर है. अच्छा, इन टॉपिक्स से आपने क्या लर्न करना होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है. अच्छा, डिस्क्राइब सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. एग्जांपल है डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेस बिटवीन देम, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. हमने यानी आपने लर्न करना होगा कि लिक्विड की जो जो प्रॉपर्टीज़ है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, इफ्यूजन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, इवापोरेशन वगैरह, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस के थ्रू जो है, फोर्सेस की हेल्प से हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टी लिक्विड्स के जो है आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं. अच्छा, फिर है एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सच इज एवापोरेशन, वेपर प्रेशर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, थर्ड नंबर है डिस्क्राइब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स. यानी आपने ये लर्न करना होगा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने क्या लर्न करना होगा कि वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन मालिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर क्या असर है. अच्छा, फोर्थ वन है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर व्हेन इट्स डेंसिटी शो मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वाटर की डेंसिटी एनोमलस है, यानी ये अगेंस्ट द ट्रेंड है. यानी इस एनोमलस बिहेवियर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने लर्न करना होगा कि हाउ द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ मैक्सिमम एंड बिलो जो है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है. आगे है, आगे चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर 3 है विच इज़ आल्सो कॉल्ड सॉलिड्स. और सॉलिड्स में से अगेन जो है एमसीक्यूज़ आएंगे, दो एमसीक्यूज़ आएंगे और इनमें टॉपिक क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शंस के रिलेटेड आएंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, फिर आगे हैं आयोनिक सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्रिस्टल लेटस है. तो इसी टॉपिक से आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इससे क्या लर्न करेंगे. तो डिस्क्राइब क्रिस्टल लाइन सॉलिड है, नेम 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द शेप ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल. आयोनिक क्रिस्टल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आपने 3 याद करने होते हैं. यानी आपने तीनों को, आपका ऑब्जेक्टिव है कि 3 को आप याद रखेंगे. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड. अच्छा, डिस्क्राइब क्रिस्टल लेटस है एंड डिफाइन लेटस एनर्जी. तो ये है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द सॉलिड चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है. आगे चैप्टर नंबर 5 है और इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम में जो सवालात आएंगे इन इंडिकेट में, 4 सवालात इसमें से आएंगे. तो इसमें से 2 जो है, अब देखिए टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है. अच्छा, तीसरा बड़ा टॉपिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अच्छा, इसमें से एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, दिल्ली शॉटलेयर प्रिंसिपल है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, कॉमन आयन इफेक्ट है, बफर सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली
कि सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आपको इसी टॉपिक से आपने क्या लर्न करना होगा, तो इसमें से है कि आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना सीखेंगे, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर है राइट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड डिस्क्राइब देम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। तो आपने फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लिखना आना आपको लिखना आना चाहिए, और फिर आप इस फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के और इक्विलिब्रियम के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए, आपका ये ऑब्जेक्टिव है। स्टेट द ली शॉटलेर प्रिंसिपल, बाज़ लोग ली शॉटलेर कहते हैं, सो दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ली शॉटलेर्स। द स्टेट द ली शॉटलेर प्रिंसिपल एंड बी एबल टू अप्लाई इट टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विद द चेंज इन कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर आर द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, ये ली शॉटलेर प्रिंसिपल है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स को जनरलाइज किया है ली शॉटलेर ने, तो वो फैक्टर्स जो है कंसनट्रेशन का फैक्टर है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, या एडिशन ऑफ कैटलिस्ट है, तो ये भी आपको आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आपने ये याद रखने होते हैं। हाँ, फिर आगे है डिफाइन एंड एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के साथ रिलेटेड है, तो ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, फिर है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉमन आइन इफेक्ट गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स है। तो कॉमन आइन इफेक्ट जो है आपने याद करना होगा, 2020 में इस कॉमन आइन इफेक्ट से एक सवाल भी आया है। कॉमन आइन इफेक्ट यानी हम सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाई करते हैं, ये किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, तो इसमें से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए थे, जो करेक्ट ऑप्शन था कॉमन आइन इफेक्ट था। अच्छा, सेकंड लास्ट है डिस्क्राइब बफर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ बफर। बफर सॉल्यूशन आपको याद होने चाहिए, इसकी टाइप्स जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए। एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, ये भी बड़ा अहम सवाल है, पिछले जितने भी टेस्ट हो गई है तो उसमें से बहुत सारे सवालात इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं, स्पेशली हैबर बोश प्रोसेस से या हैबर्स प्रोसेस से रिलेटेड सवालात आ चुके हैं, तो आपने इसको सही तरह से, आपका ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आपने इसको याद करना है। आगे हैं चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में जो सवालात आएंगे, ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इन इंडिकेट में आएंगे, चार सवालात आएंगे इसमें। आप टॉपिक देखें, इसमें छह टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन है, डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ द ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एंड इट्स डिटरमिनेशन है। आपने लर्न क्या करना है, आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें आपने लर्न करनी है जो कि अहम है, उसमें आपने ये सीखना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स। दूसरा, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो ये चीज़ें जो है बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, इन्हीं दो एक ही लाइन में जो है आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स जो है इकट्ठा किए हैं, इसी से रिलेटेड जो है इन इंडिकेट 2020 में सवाल आ चुके हैं, तीन सवाल जो है इसी एक लाइन में जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, इसी से रिलेटेड आ चुके हैं। अच्छा, फिर है एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आपने क्वालिटेटिव जो है कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसमें से मुख्तलिफ फैक्टर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है वगैरह। अच्छा, गिवन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ये भी बड़ा अहम है, इंडिकेट 2020 से पिछले जो सवालात आई हैं इसी से रिलेटेड है, कि भाई आपको सवाल दिया होगा और आपने ये मालूम करना होगा कि एक रिएक्शन दिया होगा कि आपने उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है लिखनी होती हैं, सो आपको एक बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी अननोन रिएक्शन। फिर है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, रिलेट द
आइडियाज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बड़ा अहम है आपसे जो है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी और रेट का आपस में क्या ताल्लुक है ये आपको पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से ज़्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन का जो है एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है तो वो उसका उस रिएक्शन का रेट जो है ज़्यादा होगा या कम होगा, तो ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, फिर आगे जो लास्ट वन है, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया रिएक्शन रेट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द रेट कांस्टेंट इन द थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन रेट। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन रेट है, और फिर आगे उसने आपने डिस्क्राइब करना होता है कि इस फैक्टर को चेंज करने से रेट के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, फिर सेकंड लास्ट चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा याद रखो, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है इन इंडिकेट में तीन सवालात इस चैप्टर में से आएंगे। इनमें आप टॉपिक्स देखें, उसमें भी थोड़े से टॉपिक है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन है, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज इन थर्मोडाइनमिक्स, स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस है, एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, एंड साइन ऑफ डेल्टा एच है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है। इतने सारे टॉपिक्स में से आपने क्या लर्न करना है, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है, डिफाइन थर्मोडाइनमिक्स, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए थर्मोडाइनमिक्स की। दूसरा ये है कि क्लासिफाई रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है, तो साइन ऑफ डेल्टा एच आपको बताएगा कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी आपको पता होना चाहिए। डिफाइन द टर्म सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री स्टेट फंक्शन हीट हीट कैपेसिटी इंटरनल एनर्जी वर्क डन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस, आपको यानी इस टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। फिर आगे है नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट या थर्मल एनर्जी के कौन से यूनिट्स हैं, जौल, किलोजौल, कैलोरीज वगैरह। अच्छा, फिर क्या है, एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। आपने थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म भी होना चाहिए और इसका आपको जो है बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, यानी आप उसकी इंटरप्रिटेशन भी आपको पता होना चाहिए। अप्लाई हेसेस लॉ टू कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्ट सिंपल एनर्जी साइकिल, हेसेस लॉ जो है इसको अप्लाई करके किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी को हम फाइंड करते हैं, तो आपको आर्ट का पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ हेसेस लॉ टू कैलकुलेट द इंटरनल टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एनी आयनिक सब्सटेंस या हीट ऑफ कंबस्टन हो, तो ये भी अहम सवाल है। इसमें से सवालात आ चुके हैं, आपने इसको याद करना है। इस चैप्टर से लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो मेजर है वो ये था। अच्छा, डिस्क्राइब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी क्या है, और इसकी आगे जो है आप उसको सीखेंगे कि इसकी टाइप्स भी हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी हीट ऑफ कंबस्टन है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो सवालात आएंगे इन इंडिकेट में, ये भी है, थ्री सवाल आएंगे इन इंडिकेट 2020 में, इन इंडिकेट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप टॉपिक जो है थोड़े से टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, द लास्ट वन है बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने इस टॉपिक से क्या सीखना होगा, आपने सीखना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की क्या खसूसियात है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडेशन हो रही है, किस सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है। मोस्ट ऑफ सवालात में सिंपल रिएक्शन आपको दिया जाता है और आपसे ये पूछते हैं कि फलाने एलिमेंट्स की रिडक्शन हो गई या ऑक्सीडेशन हो गई, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। यूज द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड टू आइडेंटिफाई एटम्स बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, यानी आपने ऑक्सीडेशन नंबर को देख के आपने बतानी होगी कि कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज हो गया, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ।
फोर्थ वन है डिफाइन कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये टर्मिनोलॉजी जो है ये ऑब्जेक्टिव है कि कैथोड एनोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए, इसमें से रिलेटेड जो है वो सवाल आ सकते हैं। डिफाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यूज द आयन इलेक्ट्रॉन मैथड या ऑक्सीडेशन नंबर मैथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आपका जो है ऑब्जेक्टिव है, हाउ यानी आपको आनी चाहिए। आगे है द लास्ट चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है आपने इस चैप्टर से क्या लर्न करना है, यूज वेस्पर थ्योरी टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। डिस्क्राइब द शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल यूजिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। और डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ सम मॉलिक्यूल फ्रॉम द नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। ये वही वेस्पर थ्योरी वाला पोर्शन है कि आपने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर से आइडिया लगा के किसी मॉलिक्यूल का अपनी ज्योमेट्री डिसाइड करनी है, प्रेडिक्ट करनी है रादर। अच्छा, फिर है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, ये भी आपने सीखना होगा इसी चैप्टर से। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर पोलैरिटी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी बड़ा आम सवाल है, इसमें से रिलेटेड सवाल आए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है और पूछते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर प्रेशर कम है, सल्फर डाइऑक्साइड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो किस वजह से ज़्यादा है। आप इस पोलैरिटी के नॉलेज को यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर कम या ज़्यादा है। हाँ जी, आगे है डिफाइन बॉन्ड एनर्जीज एंड एक्सप्लेन हाउ दे कैन बी यूज्ड टू कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स। बॉन्ड एनर्जी जो है किस कौन कौन से फैक्टर्स इस पर असरअंदाज होते हैं और इस कौन कौन से एटम जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई है या कम है, ये भी इस पार्ट इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो ये था पूरे फर्स्ट ईयर की एक ब्रीफ ओवरव्यू कि आपने किस किस कंटेंट्स को पढ़ना है और आपने उसके कैसे लर्न करना है। तो दिस वाज द फर्स्ट ईयर ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एनएमडीकेट सिलेबस। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एनएमडीकेट सिलेबस फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तब तक कभी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।